आजकल जिस तरह से हम लोग खा रहे हैं और हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, इसमें ये शुक्र करें अल्लाह अभी मरे नहीं है, बस हकीकत बता रहा हूं आप, मरे नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वरना जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से हम खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, हमें बहुत जल्दी मर जाना चाहिए था। तो ये जितनी सेहत मिली हुई है ना, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये ग्रेवी है, हम इसके अहल नहीं है। सहाबा का तर्ज जिंदगी देखें या हमारे अकाबिर बुजुर्गों का देखें, तो वो मेहनत वाला तो कोई काम ही नहीं रहा ना। अब खवातीन भी ने भी घरों में मेहनत करना छोड़ दी है, सब काम मशीनें कर रही हैं। मर्दों ने भी मेहनत छोड़ दी है, ऑफिस में जाके लैपटॉप पे बैठ जाएंगे तो वो बस दो चार उंगलियां जो लैपटॉप में हिलाने में हरकत में आती है ना, वो एक्सरसाइज हो रही। तो मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं, अल्लाह का वास्ता, उस पर अमल कर लें, जिंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। फजर की नमाज से पहले जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने जॉगिंग करनी है, एक दिन करके देखें आप, मजा ना आए तो पैसे वापस। तो मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं, तो अपनी जेब से पैसे दूंगा इंशाल्लाह, वापस नहीं करूंगा, अपनी जेब से पैसे दूंगा। ये जो सुबह की वॉकिंग और जॉगिंग है, इस कदर मुफीद है सेहत के लिए कि अगर आपको पता चल जाए ना इसका कितना फायदा है, तो अगर आपको जॉगिंग का मौका ना मिले और आपको कोई कहे कि 50,000 रुपए महीने लूंगा फिर जॉगिंग करने दूंगा, तो आप इसके लिए भी तैयार हो जाओ। इतनी ज्यादा मुफीद है सुबह की वॉकिंग और जॉगिंग। फजर से पहले हवा में ऑक्सीजन का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। ये जो तहज्जुद की नमाज शरीयत ने बताया ना, ऐसे ही नहीं, इसमें बड़े फायदे हैं, अल्लाह की इबादत भी है, साथ साथ आपका दिमाग ऐसा काम करता है कि जो माहिर हकीम है, माहिर डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आपको इतनी तवानाई मिलती है ना, कि वो तवानाई, वो एनर्जी आपको दिन के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। तो एक दफा हमारे कहने पर आप फजर से पहले क्या कर लें, हिम्मत कर लें, जॉगिंग कर लें। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फजर के बाद कर लें। रहा मसला कि खवातीन क्या करें, तो खवातीन भी फजर के बाद अगर पर्दे में वॉकिंग कर सकती हैं, वो तो घरों में पहले ऐसा होता था भाई, बहश्ती जेवर में लिखा हुआ है कि सीढ़ियां जो है ना, उतरे चढ़ें उससे, कई बार करें, क्योंकि बुलंदी पे चढ़ने से ज्यादा अच्छा स्टेमिना बनता है। तो घर में अगर सीढ़ियां हैं तो खातून ये कर सकती हैं कि 20 चक्कर लगाने सीढ़ियों के। ससुराल वाले तो बोलेंगे पहले हम कहते थे पागल है। ससुराल वाले कहेंगे हम पहले ही कहते थे क्या है, पागल है, तो कहने दें। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो पर्दे में वो जो है वो बाग में भी जा सकती है। खवातीन जॉगिंग ना करें, खवातीन के लिए हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, मर्द को करनी पड़ती है, लेकिन वॉकिंग करें। मगर वॉकिंग ऐसी ना हो कि कोई बोनेंजा के इश्तिहार में आ रहे हैं आप। हम जब छोटे बच्चे थे तो एक इश्तिहार एडवर्टाइज आता था, वो ऐसे यूं करके लहराता हुआ चल रहा था, बंदा बोनेंजा का इश्तिहार आ रहा है, तो ऐसे लहराते हुए मैं देखता हूँ पार्क में लोग चल रहे होते हैं ना, चहलकदमी कर रहे होते हैं, तो ऐसे मरियल मरियल और बातें भी करते जा रहे हैं। बातें जब आप करेंगे तो फिर आपको वर्जिश का मकसद हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप फिर स्पीड से चल नहीं सकेंगे और दिमाग भी आपका परेशान होगा। तो उस इतनी देर के लिए खामोश हो जाएं, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, खामोश। तो वॉकिंग करनी है फुल स्पीड के साथ, जैसे कोई फौजी परेड कर रहा होता है, और अपनी वो रोजाना जो है ना मिकदार बढ़ानी है, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 45 मिनट, 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे तक आपने आना है, और इस तरह से वॉकिंग होगी तो इंशाल्लाह असबाब की दुनिया में 15-20 साल आपकी उम्र इंशाल्लाह, वैसे तो उम्रें लिखी हुई हैं लेकिन यही लिखा हुआ होता है ना उसमें। एक साहब कहने लगे यार वर्जिश करने का क्या फायदा, मरना तो अपने टाइम पर है। तो मैंने कहा जैसे मौत लिखी हुई है ना कब मरना है, ऐसे ये भी लिखा हुआ होता है कि ये बंदा एक्सरसाइज करेगा, सेहत का ख्याल करेगा, लिहाजा देर से मरेगा, ये भी लिखा हुआ होता है, और ये बंदा किसी चीज का ख्याल नहीं करेगा, लिहाजा ये इसको जल्दी उठा लिया जाएगा। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लिहाजा हमने करना वही है जो जिसका शरीयत ने हुक्म दिया और जो हमारी अकल कहती है। तो सुबह जॉगिंग जरूर किया करें फजर से पहले। 2-4 दिन ऐसा होगा कि कुत्ते चूंकि आपसे मानूस नहीं होंगे, वो कहेंगे कोई है तो वो जॉगिंग में आपकी मदद करेंगे। एक लड़के ने मुझे बताया कि यार मैं इतना भागा क्योंकि कुत्ता पीछे लग गया था, तो मैंने कहा और अच्छी बात है, ये तो आपको एनर्जी मिली। लेकिन तजर्बा ये है कि 2-4 दिन के बाद कुत्ते भी समझ जाते हैं यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कुत्तों की अपनी एजेंसियां होती हैं, देखते हैं बंदा कहां से आया, तो देखते हैं यार ये तो रोज ही भाग रहा है, तो क्या कोई मसला नहीं है, ये जॉगिंग कर रहा है। पहले दिन कुत्ते हैरान होते हैं ये हो क्या रहा है, तो काटेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो और जिनकी उम्र ज्यादा है वो जॉगिंग नहीं कर सकते, तो वो फिर वॉकिंग करें।
تو یہ بہت ہی مفید ہے. اس عمل کے بعد اگر آپ سے بدپرہیزی بھی ہو گئی نا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو پھر فجر کے بات کر لیں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عصر کے بات کر لیں, مغرب کے بات کر لیں. نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کر لیا جائے. تو یہ خوراکوں سے اتنا معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہمارے کبھی استاد ہیں جامعۃ الرشید کے, بنگلہ دیش کے ہیں, وہ مچھلی ہی کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے مچھلی کھانے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بڑا خطرناک اٹیک ہوا ان کو, حالانکہ وہ تو فش کے علاوہ کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں. کیوں اٹیک ہوا؟ اس لیے کہ ایکسرسائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی ایکسرسائز کے بعد بھی کسی کو اٹیک ہو رہا ہے تو بھائی اللہ سے تو اب کوئی نہیں لڑ سکتا نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, وہ بہاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, کوئی بہاری بیان سن رہے ہوں گے ناراض نہ ہو, کہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. تو باتیں بہت کرتے تھے بڑی زبردست. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جب انسان کی تقدیر, یعنی جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے نا, تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اونچا, کتا کتنا نیچے, مگر پھر کتے سے بچنے کے لیے اونٹ پہ بھی بیٹھو گے تو کتا کاٹ لے گا. لیکن عام طور پہ جب آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو تو کتا نہیں کاٹ سکتا, اسے کاٹنے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑیں گی. تو تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا, لیکن اسباب کے ہم مکلف ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو سویڈن ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک, اس میں انسان کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے, بہت لمبی عمریں ہو گئی ہیں ان کی, انہوں نے ایکسرسائز سے قابو پایا ہے, ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ہے. 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر تھی نا یورپ کے ملکوں میں, بعض ملکوں میں 80 سال کر دی ہے ریٹائرمنٹ کی عمر. تو کیوں جم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, اور جاگنگ کے لیے ٹریک بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کھا رہے ہیں 12 بجے پھر سو گئے, صبح پولیس نے آ کے اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے نا, اتنا کھا لیا تھا رات کو, ٹھیک ہے نا, اٹھا ہی نہیں جا رہا. صبح پولیس نے آ کے اٹھایا, اور پولیس بھی صبح صبح جب آپ بلائیں گے نا اٹھانے کے لیے کہ میرے شوہر اٹھ نہیں رہے اتنا کھا لیا تھا, تو پولیس بھی 1 گھنٹے بعد آئے گی, کیونکہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی کوئی بڑا آفیسر جائے گا پولیس والوں کو.